नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। दोस्तों, आज के समय में कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन हो गई है, और कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानकारी होना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर आदमी कभी ना कभी इस समस्या से गुजरा हुआ है। और कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की समस्या के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं उदयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी पेट आंत लिवर रोग विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव शर्मा। और डॉक्टर राजीव शर्मा सर हमें बताएंगे कि कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, किन जांचों से कब्ज़ के कारणों का पता लगाया जाता है और क्या इलाज होता है कॉन्स्टिपेशन का। साथ में हम जानेंगे डॉक्टर राजीव शर्मा से कैसे आप कब्ज़ की समस्या से अपना बचाव कर सकते हैं। तो चालू करते हैं दोस्तों आज का डिस्कशन डॉक्टर राजीव शर्मा सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा पेट आंत एवं लिवर रोग विशेषज्ञ एज ए सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उदयपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिससे बूढ़े और बच्चे दोनों ही ग्रसित हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कब्ज़ किसे कहते हैं। कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन हम उस टर्म को कहते हैं जिसमें मरीज हफ्ते में 3 बार से कम मल पास करे, स्टूल हार्ड हो या स्टूल पास करने में मरीज को मुश्किल हो या दर्द महसूस हो, या फिर मरीज को यह फीलिंग हो कि स्टूल सही से पास हुआ ही नहीं, तो इन सब केसेस में मरीज को कॉन्स्टिपेशन कहा जाएगा। और ध्यान रखने की बात यह है कि कॉन्स्टिपेशन केवल एक सिम्टम यानी लक्षण है, कोई बीमारी नहीं है। यह किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन के क्या कारण हो सकते हैं। जो अगर कारणों की बात करें तो कब्ज के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण है डाइट में फाइबर का कम होना, एक्सरसाइज कम करना और पानी का कम पीना। इन तीनों कारणों से कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा कई दूसरे कारण भी हैं कब्ज के। कई बीमारियों में कब्ज की समस्या हो जाती है, जैसे हाइपोथायरायडिज्म, डायबिटीज, डिप्रेशन, पार्किंसोनिज्म एवं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके अलावा कुछ दवाइयां जैसे ओपियोइड्स, एंटी डिप्रेसेंट्स एवं आयरन सप्लीमेंट से भी कब्ज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ओल्ड एज में, प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। बाकी कई लाइफ स्टाइल हैबिट्स जैसे कि ट्रैवलिंग करते हुए आप पॉटी की अर्ज को रोकते हैं, इससे भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ सकती है। तो ये कारण थे कॉन्स्टिपेशन के। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब मरीज को अपने डॉक्टर से कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए संपर्क करना चाहिए। तो अगर आप कब्ज की समस्या से लंबे समय से ग्रसित हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, या लैट्रिन में खून आ रहा है या दर्द होता है, खुजली होती है, या लैट्रिन में पाइल्स एवं बवासीर की समस्या है, या फिशर या भगंदर हो गया है, तो आपको अर्जेंट कंसल्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा यदि आपके पेट में लगातार दर्द रहता है, गैस पास करने में प्रॉब्लम है, उल्टी या बुखार की समस्या रहती है, तो भी आपको तुरंत आपके पेट आंत एवं लिवर विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब्ज के लिए किस प्रकार की जांच की आवश्यकता है। कब्ज की समस्या में डॉक्टर आपको कुछ जांच बताते हैं जिनमें कॉन्स्टिपेशन के कारण हम जान पाते हैं, और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे पाइल्स, फिशर या आंत का कैंसर होना, यह हम उन जांच के द्वारा पता लगा सकते हैं। इन जांचों में सबसे कॉमनली और इफेक्टिवली यूज जांच है सिग्मोडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, जिसमें एक दूरबीन पर लगे कैमरे की मदद से बड़ी आंत की जांच की जा सकती है। इसके अलावा डॉक्टर आपको इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट भी एडवाइस कर सकते हैं। कई मरीजों में आपके डॉक्टर आपको कई स्पेशल टेस्ट जैसे कि डिफेकोग्राफी, एनोरेक्टल मैनोमेट्री एवं बलून एक्सपल्शन टेस्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के बचाव एवं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा।
अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर आपको लैक्सेटिव्स आपकी कंडीशंस असेस करने के बाद प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मरीज को फायदा आ सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के इलाज एवं बचाव के लिए आपके डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, जैसे डाइट में फाइबर का इंटेक अच्छा रखना। फाइबर का डेली रिकमेंडेशन 25 से 31 ग्राम है और ऐसे फूड आइटम्स को आपको अपने डेली रूटीन में जरूर अपनाना चाहिए, जैसे कि होल ग्रेन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल फ्रूट और नट्स। इसके अलावा आप रोज 2.5 से 4 लीटर पानी पिए। इसके अलावा आपको रोज 25 से 30 मिनट डेली एक्सरसाइज की भी आदत डालनी चाहिए। इन सब चीजों से आंतों की चाल सही बनी रहती है एवं कब्ज की बीमारी में फायदा होता है। इसके अलावा आप पॉटी की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। आप रोज एक ही टाइम पर पॉटी जाएं और हो सके तो इंडियन टॉयलेट का ही उपयोग करें। बाकी आप स्ट्रेस अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, अल्कोहल, चाय एवं कॉफी से बचें। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कॉन्स्टिपेशन की समस्या पर और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी फायदा हुआ होगा। बाकी पेट, आंत, लीवर एवं पैनक्रियास से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे पेट, आंत, लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव शर्मा। डॉक्टर राजीव शर्मा सर ने हमें बताया कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या किसे कहते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, किन जांचों से कब्ज की समस्या का पता लगाया जाता है और कॉन्स्टिपेशन का क्या इलाज होता है। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल द डॉक हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।